नमस्ते मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर, हाउ आर यू? ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हूँ मैडम। मेरे जो फैमिली वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो बहुत दुखी हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सी वाइल्ड फायर्स लग रही हैं और बुश फायर्स के चक्कर में, वाइल्ड फायर्स के चक्कर में ना बहुत प्रॉपर्टी तबाह हुई। तो उनकी भी जो बहुत प्रॉपर्टी है वो बहुत नुकसान उनको हुआ है। मेरे रिलेटिव्स भी बहुत दुखी हो चुके हैं ये ऑस्ट्रेलियन फायर से। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स के बारे में पढ़ा है, कितने सारे लोग मारे गए हैं, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, सो डेंजरस। या डियर, देखो बुश फायर्स तो बहुत होती हैं, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ये सब हो क्यों रहा है और बहुत जान माल की नुकसान हो रही है, गवर्नमेंट्स भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया इतनी तबाही देख रहा है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है वहाँ पर और क्या रीजंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर जो है बहुत ही एक प्रॉब्लम बन चुका है। ये कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में समर के टाइम पे बेसिकली, इस मैप में देखो एक्चुअली है क्या कि ये जो इसका सदर्न जो ईस्टर्न जो पोर्शन है, साउथ ईस्ट पोर्शन जो है, ये जितना भी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये समर के टाइम पे, मतलब आफ्टर द स्प्रिंग जो आपका समर सीजन जो होता है और ऑटम सीजन जो होता है, सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ पर मस्ती है। उसके बाद में ये जो नॉर्दर्न जो इसका रीजन है, यहाँ पर आपका विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा बुश फायर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो बुश फायर और जो ग्रास फायर होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जो ग्रास फायर जो होती हैं ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और बहुत घंटों तक ये जलती रहती हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका जो टारगेट होती है, फसलें होती हैं, फार्मिंग होती हैं, लाइफ स्टॉक होता है। लेकिन जो बुश फायर्स होती हैं ये स्लोली मूव करती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती हैं और ये कई दिनों तक जलते रहते हैं। एज़ कम्पेयर टू जैसे ग्रास फायर होती है कई घंटों तक जलती है, लेकिन बुश फायर्स होती है बहुत दिनों तक ये जल सकती है। और यहाँ पर आग की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है बुश फायर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, और जो इसका सदर्न एरिया है, ये सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग कंडीशंस पे आता है। सदर्न आता है आपका गर्मी के दिनों में और जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन जो होता है ये आपका ठंड के दिनों में, यहाँ पर बहुत तबाही देखने को मिलती है। और ये माना जाता है कि जो नॉर्दर्न जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली डेलिब्रेटली यहाँ पर आग लगाई जाती हैं ताकि एरियाज़ को फार्मिंग क्षेत्र के लिए जलाया जा सके, लेकिन नेचुरल कम यहाँ पर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सदर्न वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में 3 सालों से यहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन बनी हुई है और एट प्रेजेंट यहाँ पर जो बुश फायर्स हमको देखने को मिल रही है जिसमें 1 मिलियन हेक्टेयर तक का जो फार्म लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसमें 70-80 से ज़्यादा एट प्रेजेंट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर इतने लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिवियर कंडीशन पर ये आ चुका है बुश फायर जो ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत ज़्यादा जान माल का यहाँ नुकसान हो रहा है, बहुत से यहाँ पर प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है लोगों का, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक तो ड्राई कंडीशन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एट प्रेजेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे हाई विंड स्पीड है, ठीक है। उसके बाद 3 साल से ड्रॉट का यहाँ पर क्षेत्र बन रहा है और एल नीनो का यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। और एक रीज़न ये भी है कि जो इंडिया में जो आपका मॉनसून है वो बहुत देरी से यहाँ पर शुरू हुआ है, उसका असर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले 3 साल से ड्रॉट की कंडीशन है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती हैं फायर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन का तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसी प्रजाति हैं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव प्लांट्स जो होते हैं ये माना जाता है कि ये अपने आप को रीजनरेट करने तक के लिए भी ये मतलब अपने आप को फायर में एक्सपोज कर देते हैं। और जैसे नेचुरल एक प्रकार से फिनोमेना में जैसे लाइटनिंग हो गया, तो ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ये जो 3 कंडीशंस हैं, ड्राई है और ह्यूमिड है, बहुत हॉट है, उसके बाद 3 साल से ड्रॉट का कंडीशन, जो 3 फेवरेबल कंडीशन इन जंगलों में मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद रही रही सही जो कसर होती है वो यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं रिहायशी इलाकों के आसपास या जंगलों में, क्योंकि जो उनके पत्ते होते हैं वो ऑयल उनके अंदर होता है और वो ज्वलनशील एक प्रकार से पौधा बन जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिल रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत से क्षेत्रों में बहुत कवर किया है और उसने क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर इन फॉरेस्ट फायर से आज तक कभी सेव नहीं कर पाया है। और कहीं कहीं पे मैन मेड भी डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप न्यू साउथ वेल का जो आप यहाँ पे क्षेत्र देख रहे हो, ये क्वींसलैंड का जो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है पूरी ऑस्ट्रेलिया में, और मैन मेड रीजंस भी हैं जो इन जंगलों में आग लगती हैं, बुश फायर्स जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेचुरल तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है या तो डेलिबरेटली आग लगाई जाती है या तो फिर गलती से ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टाउनशिप है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, पानी की बहुत कमी है इन क्षेत्रों में, ड्रॉट का एरिया रहा है, ठीक है, तो जो फेवरेबल जो विंड कंडीशंस हैं, बहुत हाई स्पीड में विंड चलती है, तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचा देती है, क्योंकि एक तो नेचुरल यहाँ का वेजिटेशन जो है वो ज्वलनशील टाइप का ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।